छक्के लगाए नहीं है यहाँ पे, तो छक्के छुड़ाए हैं बॉस। इतने सारे छक्के देखे हमने फैफ डुप्लेसी से, हमने देखे मोइन अली से, ऋतुराज गायकवाड़ से, उसके बाद रसल ने गेंद को दिया मसल, और बाद में आए थे बैट हु कैन एक्चुअली बैट। जीत मिल गई है चेन्नई को, चेन्नई पहुंच गई है नंबर वन पे, वेल डन चेन्नई सुपर किंग्स। कोलकाता नाइट राइडर्स को लगातार मिली है तीसरी हार, उसकी करेंगे बात, थोड़े से टूटे हैं जज्बात। पर देन सुबह का जो मुकाबला था उसमें सन हैज फाइनली रिजन, यानी कि सूर्य अस्त के समय पहली बार सूर्य का उदय हुआ, तो यानी कि हैदराबाद को मिली जीत फाइनली, चार मैच के बाद एक जीत। पर पंजाब का, अरे भैया इनका क्या, इनको लगा थमा दी गई है लगातार तीसरी हार, जीत के साथ कैंपेन की शुरुआत, और अब गाड़ी उतर गई है पटरी से मेरे यार। अब आज शाम को मुकाबला है, आज शाम को मुकाबला है जी, एक रॉयल मुकाबला है। एक तरफ है अनडिफीटेड, अनबीटेड, अभिजीत, सबसे बेहतरीन टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और सामने एक ऐसी टीम जिसको थोड़ी परेशानियां हैं, ना जोफ्रा आर्चर हैं और ना बेन स्टोक्स हैं, अब तो लियम लिविंगस्टन भी नहीं है। देयर हैंड्स आर प्रीटी मच टायर्ड, इट्स और रादर टाइड, इट्स आरसीबी वर्सेस आरआर। और मेरा आपके लिए ट्रिविया यह है कि वो कौन सा बल्लेबाज है जिसने सीएसके के अगेंस्ट सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, बताओ सोचो। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस आकाशवाणी पावर्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक। हैशटैग आकाशवाणी, बड़ी लंबी चौड़ी सी आज अपनी, मतलब मैं हमारी आकाशवाणी है, क्यों, क्योंकि हम तीन तीन मुकाबलों की बात करें। पहले मैं जरा शाम के वानखेड़े के मुकाबले की बात करता हूँ, क्योंकि सिक्स सेटिंग सेंट्रल में बहुत सारे छक्के लगे, छक्के लगते रहे, उड़ती जा रही है कभी इधर कभी उधर। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, मरीन ड्राइव पे मारो क्या, अच्छा है वैसे लॉकडाउन चल रहा है कि कोई कहीं जाता नहीं है, नहीं तो गेंदे वहीं जा रही थी जब बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे। टॉस जीत गया कोलकाता, सही फैसला किया कि भैया पहले फील्डिंग करेंगे बाद में चेस करेंगे, वो तो सही है। पर चेन्नई ने आके क्या बैटिंग धो दिया बॉस। ऋतुराज गायकवाड़ खूबसूरत फॉर्म में थे, साथ में फैफ डुप्लेसी वो भी खूबसूरत फॉर्म में थे, और कैप्टन मॉर्गन वो भी खूबसूरत फॉर्म में थे, मतलब कि आउट ऑफ फॉर्म थे। अपनी कप्तानी की अगर मैं लिहाज से देखूं देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो जो समस्या आ रही है बार बार ना, मतलब सिलेक्शंस की आ रही है, किसको किस समय गेंदबाजी करानी है। पिछले मैच में हमने देखा वरुण को रोक दिया था, यहां पे वरुण साहब ने शुरुआत करा दी, जहां पे सब लोग सीम 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 कह रहे हैं कि बहुत स्विंग हो रही है, बहुत सीम हो रही है। दीपक चाहर ने बाद में बताया भी वहां पे आप स्पिन करवा रहे हैं शुरुआत में, बहुत मेरे विचार में तो मतलब 50-50 रही है कप्तानी इनकी इस पूरे कैंपेन में अब तक। इस बार सुनील नारायण खेले, सुनील नारायण ने अच्छी गेंदबाजी की एक्चुअली, बट देन ऋतुराज गायकवाड़ की वो पारी का मतलब है ऋतुराज इज बैक, वेलकम माय फ्रेंड। अच्छी बैटिंग की इन्होंने, फैफ डुप्लेसी को पूरे 20 ओवर खेल के गए, शतक के करीब जरूर थे पर 95 नाबाद इज एज गुड एज अ सेंचुरी। मोइन अली बीच में आया, उन्होंने भी बड़े बड़े शॉट लगाए, और अंत में धोनी की भी एक छोटी सी नन्नी सी पारी थी। कुल मिला के सीधी इन दी एंड क्या हुआ, इन दी एंड आप पहुंच गए 220 तक, दैट्स अ ह्यूज टोटल। इनफैक्ट लास्ट बॉल पे भी ना आउट होना चाहिए था जड्डू को, आउट नहीं हुए, वो छक्का हो गया, और अगर छक्का ना होता 214 रन होते, 214 होते तो आखिरी ओवर में और भी कम रन रह जाते। आई मीन सी दीज लिटिल थिंग्स दैट मेक अ डिफरेंस। केकेआर के बोलर्स ने नो बॉल्स बहुत डाली, मतलब उसमें सुनील नारायण ने भी डाली, तो अगर आप नो बॉल्स डाल रहे हैं तो इसका मतलब सामने वाली टीम को फ्री हिट्स मिल रही है, बार बार मुफ्त की गेंदें मिल रही हैं, उसमें बहुत सारे रन गए, और थोड़ी सी ना मतलब ढीली नजर आई है कोलकाता की टीम, मुझे मजा नहीं आ रहा है। आई वांट कोलकाता टू डू वेल, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बिगड़ा हुआ है, और कप्तान मॉर्गन के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि बल्ले से रन नहीं बन रहे, और जो टैक्टिकल डिसीजंस हैं पर्सनली दे आर नॉट कटिंग इट फॉर मी, आई मीन श्योर इज गॉट रीजन, पर मुझे नहीं आ रहा है समझ में। उसके बाद आती है गेंदबाजी की बारी, वो है चेन्नई सुपर किंग्स की, एक के बाद टक 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 टक, सही है बॉस, सही है सही है सही है, चार पांच बार बोलूंगा मैं क्योंकि दीपक चाहर एक बार फिर टाई गेंद से आते हैं और विकेट 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 चटका देते हैं, चार विकेट उन्होंने एक बार फिर चटका दी वो चार ओवर के स्पेल में। मेरे विचार में तो मैन ऑफ द मैच होने चाहिए थे, क्योंकि जब इतने सारे रन बनते हैं, मतलब 420 से भी ऊपर रन बनते हैं, तो फिर बॉलर को मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच। चार विकेट उनकी थी जो मैच चेंजिंग थी, 31-5 था कोलकाता, और वहां से फिर हुई शुरू पिटाई पिटाई पे पिटाई, अरे मजा आया। आंद्रे रसल ने आंद्रे अंदर गेंद बाहर, आंद्रे अंदर गेंद बाहर, ऐसा हमने कई बार बोला, और जब वो आउट हुए मतलब बड़ा अजीब सा लगा कि भाई वो बॉल को छोड़ते हुए आउट हुए, आंद्रे रसल गेंद को लीव करते हुए आउट हो जाए, मतलब ऐसा होता नहीं ना, मतलब ये तो आकाश चोपड़ा का काम है गेंद को छोड़ना, आंद्रे का थोड़ी ना है। वो आउट हुए फिर भी मैच में जान बची थी, दिनेश कार्तिक साथ में पैट कमिंस, दिनेश कार्तिक भी अगर जमे रहते अंत तक तो वहां पर भी मैच बन जाता, क्योंकि पैट कमिंस बिल्कुल अंत तक लेकर गए, वो एक दो रनआउट होने नहीं चाहिए थे, वो रन थे ही नहीं दूसरे, तो वो बाप भागो ना भागो आई थिंक देयर वाज लाइक अ कैलकुलेटिंग कैलकुलेशन की एक एरर थी। कुल मिला के अंत में क्या हुआ जी, अंत में बहुत सारे रन बने इस मुकाबले में, बहुत सारे गेंदबाजों की पिटाई हुई, पैट कमिंस ने 58 रन दिए और 66 रन बनाए, और सैम करन का भी अर्धशतक हो गया, और कई ऐसे गेंदबाज थे जो अर्धशतक से सिर्फ एक दो रन ही पीछे रह गए, बहुत पिटाई हुई थी। ये वो वाला मैच था जिसमें ना आप वो कहते हैं पेरेंटल गाइडेंस होनी चाहिए बॉलर्स के लिए, कि भैया ये ना
बहुत पिटाई होती है बडिंग बोलर्स, इसे मत देखो, ये वाले मैच मत देखो, ऐसा बार बार नहीं होता। सो कोटक माइटी माइटी आई पिक थ्री प्लेयर्स मैंने पिक किया है, फैफ डू प्लेसी फॉर द 95 स्क्वाड, ऋतुराज गायकवाड ऑफकोर्स मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, बट देन दीपक चाहर हैज टू बी देयर वंस अगेन, एंड देन लुंगी अंगिड़ी तीन विकेट ली और सबसे किफायती गेंदबाज थे दिन के, लुंगी अंगिड़ी ने जो काम किया बहुत बढ़िया किया, और इसके साथ सीएसके को मिली एक और जीत, यानी कि नंबर वन पे पहुंच गए जनाब। अब जरा सुबह की बात कर लेते हैं कि कल जो सुबह मुकाबला था वो था हैदराबाद और पंजाब का, पंजाब ने टॉस जीत लिया, टॉस जीत के चेन्नई में सब बैटिंग करते हैं, पर हवाएं बदल चुकी हैं, क्यों, क्योंकि अब वहां पे चेज हो रहा है और वानखेड़े में डिफेंड हो रहा है, अपने रन नहीं बनाए यार, 120 अगर आप कुल बनाओगे 120 गेंदों के खेल में ऑल आउट हो जाओगे अंत में जाते जाते, नॉट गुड इनफ, ऑनेस्टली नॉट गुड इनफ, क्योंकि ना शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई, आप विकेट लगातार गवाए जा रहे हैं और कोई ना रुकने का प्रयास भी नहीं कर रहा, कह रहे छोड़ो यार क्या करना, मारते हैं कोई तो मारेगा, फिर शाहरुख खान भी मार रहे हैं, सब मार रहे हैं, निकलस पूरन का तो निकलस पुअर रन चल रहा है कि रन बन ही नहीं रहे हैं, रन आउट हो जाते हैं, 0-0 पे आउट हो जाते हैं कई बार, तो मतलब वो इन्होंने फर्स्ट बॉल डक बनाया, इन्होंने सेकंड बॉल डक बनाया, इन्होंने विदाउट प्लेइंग अ सिंगल बॉल भी डक हो गया इनका, आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ स्टफ दैट इज गोइंग ऑन एट दिस पॉइंट इन टाइम। मयंक आउट हो गए, केएल राहुल भी, क्रिस गेल भी आउट हो गए, राशिद का बन गए शिकार, और 120 रन नेवर गोइंग टू बी इनफ ऑनेस्टली। और सामने से जब आती है बल्लेबाजी तो फिर हालांकि एक प्रॉब्लम है, एक सेकंड हैदराबाद वालों थोड़ी सी हैमस्ट्रिंग खिंच गई है हमारे भुवनेश्वर कुमार की, यानी कि एक बार फिर ये समस्या इस टीम के सामने खड़ी हो गई है। यस, इस बार केन खेल रहे थे, केन कैन बैट, मतलब केन नहीं तो गेंद नहीं, केन की बल्लेबाजी आई और अंत में मतलब वही खड़े रहे थे, तो वार्नर बेस्टो और दोनों ने एक बार फिर ओपनिंग की वो जो साझेदारी थी बड़ी अच्छे से पनपाई, और उसके बाद केन विलियमसन थे बड़े प्यार से, उन्होंने भी खेल के रन बनाए और एक बड़ी जीत मिली है, मतलब जीत ही नहीं मिल रही थी अभी तक तो, लेकिन अब मिल गई है तो बड़ी जीत मिली, एंड दे आर ऑल्सो ऑफ द ब्लॉक्स। अब सच ये है कि जब ये मैच शुरू हुआ था नंबर 8 पे थे, अब खुद के वो ऊपर की तरफ 5 नंबर के करीब पहुंच गए, सो दैट इज वेरी गुड ऑन बिहाफ ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद, सो वेल डन एंड चेन्नई ऑफ कोर्स आर नंबर 1। अब आज शाम के अगर हम मुकाबले की बात करें, और मैंने एक आपसे सवाल पूछा था ना, आपने सोचा उस बारे में कि कौन सा वो बल्लेबाज जिसने सीएसके के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाया, अभी नहीं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में भर दो फिर बताऊंगा, बट एनीवे अब जरा बात करते हैं आज शाम के मैच की, जहां पे रॉयल एनकाउंटर है, क्या कुछ बदलाव करना होगा बैंगलोर को, तेज जो यहाँ टॉस जीतेगा तो बोलिंग करेगा, चेज यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन पहले बैटिंग भी आ जाए तो भी परेशानी नहीं है, 200-225 के बीच में आप टोटल आसानी से बना सकते हैं, बट देन दिस पिच माइट हैव अ बिट मोर इन इट, क्यों, क्योंकि जब जब हमने देखा ना कि बैक टू बैक मैचेस एक पिच पे हुए हैं या एक ग्राउंड पे हुए हैं, तो फिर ना अगले दिन वो वानखेड़े वाले में ना बॉल मूव करती है ज्यादा, क्योंकि थोड़ा सा घास पे पानी ज्यादा लग जाता है, वो जो पिच आप पिक करते हैं उसमें थोड़ी घास ज्यादा होती है, थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है, वो टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी गेंदबाजों के लिए मदद हो, मैं तो कुछ बदलाव देखना चाहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा इस बार वो तीन भारतीय खिलाड़ियों के साथ, आई वुड वॉन्ट टू एड अ फॉरन फास्ट बॉलर, कि अगर आप देखें तो ऊपर आपके पास मैक्सवेल हैं, एबी डिविलियर्स हैं, बीच में डैन क्रिश्चियन अगर आपको नहीं भी चाहिए तो भी मैं चला लूंगा, वैसे डैन क्रिश्चियन को आप इस पिच पे रख सकते हैं, वरना फिर आप सोचिए कि मैं काइल जेमिसन और केन रिचर्डसन दोनों को खिला दूं, तो इस पिच में ना दो फास्ट बॉलर मिल जाए तो अच्छा है, खराब बात नहीं है, साथ में सिराज हो काम आपके यहाँ, क्योंकि फास्ट बॉलर ज्यादा चाहिए, वैसे नवदीप सैनी भी बाहर बैठे थे उनको भी खिला सकते हैं, और आप एक और नए कॉम्बिनेशन के साथ भी उतरने का प्रयास कर सकते हैं, पर स्पिन इतनी नहीं होगी, तो जो आपने बहुत सारी स्पिन खिलाई है ना इससे पहले कि आपके पास वॉशिंगटन सुंदर है, आपके पास यूजी चहल है, आप शहबाज को भी खिलाते हैं, यहाँ वो तीन स्पिनर की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अब रॉयल्स की तरफ देखता हूँ तो मेरे मन में एक था कि यार चलो आप लियम लिविंगस्टन को खिला लो, क्योंकि तो बैटिंग तो हो नहीं रही अच्छी, तो बैटिंग अच्छी नहीं हो रही है तो आप उनको ऊपर खिला लीजिए, फिर बीच में डेविड मिलर हो जाएंगे, सिर्फ एक आप ओवरसीज बॉलर खिलाइए वो है क्रिस मॉरिस, पर आप उस बैलेंस के साथ उतर ही नहीं सकते, कुल मिला के मेरे ख्याल से 5 ही तो उनके पास ओवरसीज खिलाड़ी बचे हैं, है ही नहीं इससे ज्यादा, तो एंड्रू टाई अवेलेबल है, एंड्रू टाई और फिज में से किसी एक को पिक करना पड़ेगा, क्रिस मॉरिस, डेविड मिलर, एंड देन यू गॉट जॉस बटलर। अब यहाँ पर जो समस्या है, देखिए डाइस इज लोडेड हेविली इन फेवर ऑफ रॉयल चैलेंजर्स फ्रॉम बैंगलोर एंड नॉट द राजस्थान रॉयल्स, लेकिन संजू सैमसन पे मेरी निगाहें रहेंगी, क्यों, क्योंकि ना मतलब ऐसे हमने पीक देखा 100 देखा, उसके बाद एकदम से हमने वो ढलान देखी, it's time that he starts scoring more runs and just be become a little more consistent, that's all I want up is match mein kisko pick kar raha hu, I'm going with RCB yaar, lagatar 4 jeet hoti nahi hai, bade mushkil hoti hai, but then jo form team hai, jo sahi khel rahi hai, jo better team hai, I'm going to pick a team that looks better on paper, honestly speaking not the gut feeling but it's a very dimag ki prediction hai, dil ki nahi hai, so I'm going with the RCB for this one। ab mera trivia, kaun hai aisa khiladi jisne sabse zyada run banaye the CSK ke khilaf, wo khiladi is team ka kaptan hai yaar, Virat Kohli 887 runs at the average of 42.23, well played run machine Kohli, aur is match mein mujhe lagta hai run bhi banayega।
चेतन साकरिया, उनको भी देखने मजा आएगा। अभी के लिए इतना ही, प्लीज आप अपना ध्यान रखिए, मास्क पहने रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और घर पे रहो यार, प्लीज घर से बाहर मत निकलो। दो तीन हफ्ते अगर हम घर पे रह जाएंगे ना, दिस टू शैल पास, ऑनेस्टली इट विल, बट प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तैयार है बल्लेबाज, आगे गेंद हवा में शॉट, जबरदस्त डाइविंग कैच, बहुत बढ़िया, और ये सेलिब्रेशन उससे भी बढ़िया, वेल डन।